हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। मैं स्वित भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन 3 में किस तरीके से करना है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द बेस ऑफ SSL ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए कि ISO स्केल हमारे पास ट्राइंगल होता क्या है, इसे समझ लेते हैं। सपोज एक ट्राइंगल हमारे पास है ये, और इसमें जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल्स होते हैं। ऐसे स्केल जो ट्राइंगल होता है उसकी खासियत ये होती है कि इसके जो अपोजिट जो साइड होंगे वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में देता है कि द बेस ऑफ ऐसे स्केल ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। मीन्स जो इसका बेस है, ये बेस हमको गिवन है 4/3 सेंटीमीटर। ओके, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कहता है आगे, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4/2/15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको गिवन है, पेरीमीटर है पेरीमीटर, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो इक्वल साइड्स जो इसकी हमारे पास रिमेनिंग है, आपको बतानी है कि इनकी लेंथ कितनी होगी। तो ये बेस गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले जो वैल्यू हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है, हम उसे कुछ मान लेते हैं, कुछ वेरिएबल मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है कि लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो हम इसमें लिख लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल इज एक्स सेंटीमीटर। इसको हम लेके चलते हैं कि सपोज उसकी जो लेंथ है वो एक्स सेंटीमीटर, मीन्स ये भी एक्स हो जाएगा हमारे पास, ये एक्स हो जाएगा। बिकॉज हमने अभी पढ़ा हुआ है कि ऐसे स्केल्स में दोनों साइड्स हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब क्वेश्चन में किस तरीके से करना है, अब आपको गिवन है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर से रिलेटेड हम इसमें जो है फॉर्मूला लगाएंगे। तो पेरीमीटर जो ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहां पर पहली चीज देख लीजिए, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमको गिवन है 4/2/15 इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। देखिए अब इसमें कौन कौन सी साइड है, 3 साइड हमारे पास हैं। फर्स्ट साइड इज 4/3 प्लस सेकेंड साइड इज एक्स एंड द थर्ड साइड इज ऑल्सो एक्स। ओके, अब इसे थोड़ा सा सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। 15 × 4 = 60, 60 + 2 = 62, ये हो जाएगा 62/15 4/3। अच्छा, एक्स और एक्स में हम प्लस करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2x। अब ये हमारे पास 2x इधर है, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इस वाली वैल्यू को यहां ट्रांसपोज करते हैं। तो ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 62/15 − 4/3 इक्वल टू 2x, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेने के लिए देखिए इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 15। तो 15 का डिवाइड जब 15 में करेंगे तो 15 × 1 = 15 एंड 1 × 62 = 62। ओके, एंड 3 से अब 15 में डिवाइड करिए, 3 × 5 = 15 एंड 5 × 4 = 20 इक्वल टू 2x, इतना हमारे पास आ गया है। अब यहाँ से आगे देखते हैं, अब 2x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है स्टूडेंट्स, ये आ गई है 62 − 20 = 42 और अपॉन में 15 हमारे पास पहले से है। अब यहाँ पे से थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें वैल्यू हम कर सकते हैं। तो ये x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इस 1 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और ये हो जाएगा 42/15। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, x इक्वल टू ये आ रहा है मेरे पास 1 एंड 3 से करेंगे 3 × 7 = 3 × 5 = मीन्स मेरे पास आंसर आ गया है x इक्वल टू 7/5। अब थोड़ा सा कोशिश इस क्वेश्चन में ये करेंगे कि जैसे हमें पेरीमीटर मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया है, तो इसे भी हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर आप आंसर ये भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिक्स फ्रैक्शन में हमें दिया है तो वो भी हम इसमें ट्राई
कर लेते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करना होगा, 5 से हम क्या करेंगे 7 में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने में क्या होगा 5 बन जा 5 मेरे पास आ जाएगा और ये हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा 2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 2 अपॉन 5, देखिए 5 बन जा 5, 5 प्लस 2 7, 7 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, मीन द लेंथ ऑफ इधर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड इज 1 2 अपॉन 5। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आपने करना था। तो यह है क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप देखते हैं इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है उसे कैसे किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर फोर को। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें क्या गिवन है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। कोई दो नंबर हैं उनका जो सम है मीन्स उनका जो एडिशन है वो 95 है, उनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो 95 मेरे पास आता है ऐड करके। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है मतलब 15 ज़्यादा है, फाइंड द नंबर्स, तो आपको नंबर कैलकुलेट करने के वो नंबर क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने जो बताया था कि इस क्वेश्चन में जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है उसे हम पहले एक वेरिएबल लेके चलते हैं। तो हम ले लेते हैं कि टू नंबर्स हैं तो फर्स्ट नंबर लेके चलते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स। फर्स्ट नंबर हमने ले लिया एक्स है, ठीक है। अब सेकंड नंबर को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वो बोलता है कि जो सेकंड नंबर है वो क्या है फर्स्ट नंबर से 15 ज्यादा है। इट मींस क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर दी सेकंड नंबर बिकम्स एक्स प्लस 15। यही क्वेश्चन में हम कहा गया है तो हम यहां पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से 15 ज्यादा है। अब देखिए क्या कहा था, ये फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया, सेकंड नंबर भी हमारे पास आ गया। अब कहता है कि इन दोनों का जो सम है वो 95 है, तो इसका और इसका जो सम है वो कितना है 95 है। तो हम वही क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, जो क्वेश्चन कह रहा है वही हमने करते हुए जाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर हो जाएगा एक्स, इसमें सम करेंगे एक्स प्लस 15 का, देन हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 95। इनका सम हमको बता रखा 95 है, तो एक्स में एक्स अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 95, देन 2x इक्वल टू 95 ये रह जाएगा तो हो जाएगा माइनस 15 और वैल्यू आ गई है 80। द वैल्यू ऑफ x, अब देखो 2x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 80, इट मीन्स वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी 80 अपॉन 2, ये हो जाएगी 40। तो फर्स्ट नंबर तो हमारे पास क्या आ गया है 40 आ गया है, ठीक है। अब सेकंड नंबर हमें कैलकुलेट करना है, तो एक्स हमने क्या लिया था फर्स्ट नंबर लिया था, तो हम ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया 40 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, सेकंड नंबर हम कैसे निकालेंगे, सेकंड नंबर को कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि फर्स्ट नंबर से क्या है 15 एक्स्ट्रा है मीन ज्यादा है, तो सेकंड नंबर हो जाएगा एक्स प्लस 15, वैल्यू ऑफ एक्स इज 40 प्लस 15 इक्वल टू 55। तो ये हमारे पास दोनों नंबर आ गए हैं, एक नंबर आ गया है 40 एंड सेकेंड नंबर आ गया है 55। और आप अगर इनको ऐड करके देखें तो ये इनका जो एड सम आएगा वो आएगा 95, और अगर इनका अगर डिफरेंस देखें तो वो क्या आ रहा है 15, ये से 15 ज़्यादा है। तो इस तरीके से बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये भी हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से मैथ्स को ईजी मैथड से पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।